सो अभी हम ये उबले हुए पानी में सारी सेवैया डालेंगे। इसको थोड़ा ऐसे बारीक करें। ओके, और इसे हम 2 मिनट तक इसे होने देना है बस। तो यहाँ पे हमने ये छावनी रख ली है। एक बाग पत्ता को भी ले ली है, ये थोड़े पीनट्स ले लिए हैं, करी पत्ता लीव्स, गाजर के कटे हुए पीसेस, शिमला मिर्च जो लंबी कटी हुई स्वादानुसार मीट, दिस इज टोमेटो, आलू, हल्दी, और यहाँ पे हमने कटा हुआ प्याज ले लिया है, और दिस इज ग्रीन चिली, मैगी मसाला बिकॉज कि हम सेवैया बना रहे हैं तो दिस इज वेरी इसेंशियल, एंड राई, जीरा, नमक, ये चीजें हम थोड़ी अपने स्वादानुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऑफकोर्स ऑयल। यहाँ पे हमने ये 1 टीस्पून और थोड़ा सा तेल ले लिया, राई, ये हम जीरा, इसमें हम डाल देंगे ये पीनट्स और करी लीव्स, और इसे घर सॉफ्ट, इसमें हम डाल देंगे ओनियन, फिर नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, अभी हम देख सकते हैं कि ओनियन अभी हो गया है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे आलू, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, और इसे अच्छे से कुक होने देंगे, और अब इसे अच्छे से लीड से ढक लेंगे और 3-4 मिनट्स होने देंगे। और ये हम इसे टोमेटो ऐड करेंगे और फिर से इसे 2 मिनट तक होने देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये कुक हो गया है, और हम इसमें ये पत्ता गोभी डाल देंगे और सेक दूं, और इसमें जाएगी हल्दी, इसमें जाएगी हल्दी चौकर, और इसमें जाएगा ये मैगी मसाला, मैगी मसाला तो अपने स्वादानुसार आप डाल सकते हैं, और हम इसे चौकर 1 मिनट होने देंगे। अभी हम देख सकते हैं ये सब हो गया है अच्छे से। ओके, सो अभी दिस इज टाइम टू ऐड सेवैया जो हमने उबाल ली थी, अभी वो हम गाइस हम इसे हिला देंगे अच्छे तरह से। आप देख सकते हैं कि ये बन चुकी है, और द लास्ट स्टेज इज सम कोरिएंडर, सो वी आर एडिंग इट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।